मुसलमान नाकाम इसीलिए रहे, हमने कई रैलियां निकाली ट्रिपल तलाक की, पूरे जलगांव में भी हमने सालार नगर से जो है निकाले थे, फिर जीएस ग्राउंड पे निकाले थे, निकली ना रैलियां बहुत निकली कि ट्रिपल तलाक कानून नहीं चलेगा। तुम्हारे तमाम वीडियोस को कचरे के डब्बे में डाला गया, तुम्हारे तमाम न्यूज़पेपर को निवेदनों को फेंक दिया गया और ट्रिपल तलाक लागू हो गया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब बामसेप और बहुजन क्रांति मोर्चे ने ट्रिपल तलाक की रैली निकाली, उस वक्त पूरे रोड पर अंबेडकर के पुतले के पास से तो कलेक्टर ऑफिस तक जितने भी लोग थे उनमें सिर्फ 12 मुसलमान थे, और रैली किसकी थी? तो अफसोस की बात है कि मुसलमान की रैली निकल रही तो तुम लोग जा रहे, मिला रिजल्ट? अरे हम उतनी तादाद में जो हमने अब रैली निकाली थी, उतनी तादाद में अगर हम इनके साथ शरीक हो जाते तो हो सकता था कि उस राष्ट्रव्यापी का तो उनको रिपोर्ट गई कि तुम लोग निकल रहे हो, मुसलमान तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ। और अभी भी हमारे यहाँ 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, उनको ये मालूम ही नहीं है डिटेंशन कैम क्या है, उनको ये मालूम ही नहीं है CA क्या है, उनको मालूम नहीं आसाम में क्या हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सुने? फखरुद्दीन अली अहमद उर्दू हाईस्कूल बरनगा, वहीं से 10वीं हूँ मैं, वो हमारे मुल्क के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उन्हीं राष्ट्रपति के पोते जो इस भारत के मिलिट्री मैन थे, जो इंडिया की तरफ से जिन्होंने कारगिल की जंग लड़ी, उनका स्पेलिंग मैच नहीं हुआ, किसी के शेख में ए आता है किसी में ई आता है, किसी के सैयद में डबल वाय आता है किसी के सैयद में आई वाय आता है, किसी के सैयद में ई आता है किसी के सैयद में ए आता है, स्पेलिंग मैच नहीं हुई। तेरे अब्बा का सैयद में ए है और तेरे नाम में ई है, चले तुम मैच नहीं उतरे डिटेंशन कैम्प में। उन एक की बहन डिटेंशन कैम्प में है और भाई जो है बाहर है। अब डिटेंशन कैम्प क्या है ये भी सुन लो, डिटेंशन कैम्प एक तरह का कैद खाना है, जेल। आपको 4,000 लोगों को अगर डिटेंशन कैंप में रखे तो वहां पर टॉयलेट सिर्फ 2 रहेगी। कितने लोग जमात में जाते हैं ना हम लोग, 4,000 की जमात रहेगी, टॉयलेट कितनी लगती है उसका हिसाब किताब हमको मालूम है, बाथरूम कितने रहेंगे हमको मालूम है। वहां बिल्कुल जानवरों की तरह, उससे भी बदतर हालत रहेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ऊपर बोलूंगा इनकी दुकान चल रही है, कल डिटेंशन कैंप में अगर ये आ गए तो ये दुकान में बैठने के लायक नहीं रहेंगे, वो बैठने के लायक नहीं रहेंगे। घरों में तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने मिलिट्री की बंदूक की गोली लगाकर तुम्हारे सामने डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा, हम हलचल नहीं कर सकते। और हमारी माओ बहनों को हमको बचाने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चे से SC ST OBC जिनको हम लोग जनरली हिंदू कहते हैं, SC ST OBC कहना चाहिए, ऐसे अहिरे साहब जैसे लोग, वो हमारे लिए 8 जनवरी को कितनी 8 कहाँ पर निकलेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से कलेक्टर ऑफिस तक, और सिर्फ जलगांव में नहीं पूरे इंडिया में। और अगर इस बार भी हम लोग 8 जनवरी को उसमें शरीक नहीं हुए तो हमारे भाई को हमारी बहन को अपने सामने मिलिट्री की नोक पर डिटेंशन कैंप में ले जाने के जिम्मेदार हम खुद होंगे। अगर इस यूनिट को इस काले कानून को अगर खत्म करना है तो हम लोगों को इन्होंने पहले बोल दिया कि हम आगे रहेंगे, गोली हम खाएंगे, क्योंकि मुसलमान अब जिहादी मुजाहिद नहीं रहा, डरपोक हो चुका है, वो हजरत अली को भूल चुका है, वो सिर्फ बातें पढ़ता है और बगैर प्लानिंग के उतरता है। ये प्लान करते हैं, ये प्रिपरेशन करते हैं और फिर एक्शन करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक्शन करते हैं, इसलिए हम बच जाते हैं। इसलिए गुजारिश है कि 8 जनवरी आपको साथ को आना है, जाओ नो प्रॉब्लम, वो सिर्फ जलगांव का है, लेकिन 8 जनवरी को पूरे इंडिया के गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, और अगर इसमें मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया तो मुसलमान खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि खुसूसी तौर पर इन लोगों का साथ दें, और इनके कांधे से कांधा नहीं मिला सकते तो कम से कम पीछे खड़े रहे, आपको डर है ना कि गोली चल जाएगी, तो इनके पीछे खड़े रहो, ये आगे रहिए, लेकिन इनके साथ जाओ, इनका साथ देखो, और कम से कम जाकर तो देखो ये लोग बोलती है या करती भी है। बगैर जाए या बगैर प्रैक्टिकल तजुर्बा हासिल किए बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हर घर में जाइए, हर एक को बोलिए, हो सके तो उस दिन की 100 रुपये की 200 रुपये की रोजी गई तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारी कौम मिल्लत, हमारे मुस्तकबिल, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं इनका मसला है। अगर ये बच्चे डिटेंशन कैम्प में चले गए तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे हम।
इसलिए आप तमाम से मोहतबाना गुजारिश है कि जो लोग इनकलाब का परचम लेकर निकले हैं इनको हमारा सिर्फ प्रेजेंट ही चाहिए, बोलो भी मत, नहीं तो वीडियो बन जाएगा तो फिर जेल हो जाएंगी, है ना, नारे भी मत लगाओ, इनको जो करना है सब करेंगे, पर इनके साथ चलो। तो आप सभी से गुजारिश है इंशाल्लाह, कितनी तारीख, 8 जनवरी बुध का दिन, जनवरी कितने बजे, 1 बजे, ठीक है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी नस्लों के लिए आप ज़रूर आएंगे, अगर मुस्तकबिल अच्छा बनाना है और जितने परसेंट मुसलमान हैं उनको हर जगह अगर पहुँचाना है मुस्तकबिल में, तो इंशाल्लाह हमको इसको सक्सेस कराना होगा।